तो डॉक्टर नोबिता, बताइए आपको मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, ये नोबिता है जिसको सबसे ज्यादा मशीन की नॉलेज है। आज जापान को इस पर नाज है, ये अच्छी बात है ना? प्रेसिडेंट देकिसुगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नोबिता तो अब विदेश से वापस आ गया है, हमें उसे कॉल करना चाहिए। बचपन के वो दिन क्या दिन थे हमारे लिए। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि आज सिर्फ मैं तुम दोनों से ही मिल सका। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? उन यादगार पलों को भुला देना आसान नहीं है। ये झटकेदार था, मुझे ये सुनकर झटका लगा, पर हम सब दोस्त हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते? लेकिन इससे हम सबका फ्यूचर बदल गया, वो तो जैसे अचानक गायब ही हो गया। उसके बाद से नोबिता भी बदल गया, इसको हम समय का खेल कह सकते हैं। डोरेमोन, डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था, अभी दो, अभी का मतलब अभी, मुझे भी चाहिए। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? अरे कुछ तो बोलो डोरेमोन, मुझसे मजाक करना बंद करो डोरेमोन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? डोरेमोन, ये क्या हुआ डोरेमोन, मुझे बताओगी? डोरेमोन हिल क्यों नहीं पा रहा? शायद उनकी बैटरी खत्म हो चुकी है। बैटरी खत्म हो गई? ओह फिर ठीक है, चलो फिर इसकी बैटरी जल्दी से बदल दो। ये उतना आसान नहीं है, कैप्टिव रोबोट की बैटरी उनके कान में होती है जिन्हें आसानी से बदला जा सके, पर मेरे बड़े भाई डोरेमोन ने पहले ही वो कान खो दिया है। अगर इस हालत में हम उनकी बैटरी चेंज करेंगे तो वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो डालेंगे। डोरेमोन की याददाश्त चले जाएगी? ये झूठ है ना, एक बैटरी बदलने से याददाश्त कैसे जा सकती है? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हर टाइप के रोबोट को एनर्जी देने की जरूरत होती है, लेकिन जो रोबोट कमजोर होते हैं जैसे कि डोरेमोन है, उनको एनर्जी देते वक्त याददाश्त जाने की खतरा होती है, क्योंकि वो लोग ओल्ड मॉडल के होते हैं। बस बहुत हुआ, मैं फ्यूचर फैक्ट्री जा रहा हूँ। नोबिता रुको, नोबिता क्या तुम ठीक हो? वो भर कैसे गया? डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से तुम टाइम मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ी दुख की बात है, पर मैं वहां से बाहर आके तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, टाइम पेट्रोल के ऑर्डर है ये। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, पर वो लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज उन्होंने भी पहली बार देखी है। तो फिर मैं क्या करूं? ओ हाँ, अगर उसके कान वापस लगा दिए जाए तो उसकी याददाश्त बच जाएगी, है ना? मैं अभी पॉकेट से कुछ निकालता हूँ। तुम डोरेमोन की पॉकेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी टाइम मशीन की तरह उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर डोरेमोन काम नहीं कर रहा तो फिर उसकी पॉकेट भी काम नहीं करेगी। तो फिर उसके क्रिएटर को बुलाओ। इसके क्रिएटर भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज उन्होंने भी पहली बार देखी है। आसान शब्दों में, हम इसके साथ जो भी करेंगे इसके याददाश्त पे असर पड़ेगा। नोबिता, हम एक दूसरे से टाइम टेलीविजन पे बात कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास दो चॉइस है, पहली ये कि मैं वहाँ पर आके तुम्हारी मदद कर दूँ अगर टाइम पेट्रोल परमिशन दे तो, या फिर टाइम पेट्रोल खुद वहाँ पर जाके डोरेमोन की मदद कर दे, इससे डोरेमोन ठीक हो जाएगी पर उसकी याददाश्त चली जाएगी, पर तुम्हें नया डोरेमोन दे दिया जाएगा। और दूसरी चॉइस ये है कि हमें फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे हमें हमारे पुराने डोरेमोन वापस मिल जाएगा। नोबिता डोरेमोन, डिनर तैयार है। वो दोनों कहाँ हैं? शायद उन दोनों ने फिर से झगड़ा किया है, इसलिए किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डोरेमोन, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो न्यू ईयर का दिन था, मैं चौंक गया था क्योंकि तुमने कहा था तुम रकून डॉग नहीं हो, और हम बहुत जगह घूमे भी थे, है ना? फ्यूचर, पास्ट और कई रहस्यमय जगह, और हमने कई बार बहुत पंगे लिए। डोरेमोन, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब तुम लल्लू दिखते हो,
जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैंने कभी ढंग से शुक्रिया भी नहीं कहा, पर तुम्हें पता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ, है ना? और हम बहुत लड़ते भी थे, पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद हम वापस दोस्त बन जाते थे। पर कुछ तो बोलो डोरेमोन, डोरेमोन। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोबिता आगे क्या करेगा? क्या वो अपने दोस्त को बचा पाएगा? नोबिता क्या करने का सोच रहा है? आगे देखने के लिए एपिसोड पे बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक बार फिर से हाई स्कोर किया है। बधाई हो नोबिता, सच में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं। शुक्रिया, पर स्कोर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस नॉलेज से मतलब है और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तुमने बहुत मेहनत करी है तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो, चलो हमारे साथ। शुक्रिया शिजुका, पर मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है तो शायद अगली बार। रुको, नोबिता अकेले पड़ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानती हूँ कि नोबिता खुद को अकेला मानता है, पर वो भी हमारा दोस्त है और हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, भले ही वो खुद को कितना भी अकेला समझे, ये हमारा फर्ज है। डोरेमोन के जाने के बाद वो बदल भी गया है। मैं नोबिता के इस हालत में नहीं देख सकती। मैं नोबिता को शिज़ुका, मैं नोबिता के साथ हूँ और मैं उसको हर हालत में पिकनिक में ले आऊंगी। नोबिता रुको, समय का खेल है बस। एक मुसीबत ये है, अगर हम टाइम ट्रेवल करके कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो हमारी हिस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। तुमने ठीक कहा दोस्त, सुनियो, अगर हम ध्यान दे तो हमारा समाज उलझ चुका है और हम उसमें फंस चुके हैं। और साथ ही में हम ये भी नहीं कह सकते कि डोरेमोन को हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत धीरे विकास कर रहा है। हाँ सही कहा, मैंने सुना है नोबिता के पास बहुत सारी अनोखी चीजें हैं, बड़ा से बड़ा काम एक बटन से ही हो जाता है। सही कह रहे हो, उसके पास एक नायाब चीज है, बटन दबाते ही काम हो जाता है। चलो इसके बारे में बहुत बातें कर ली, इसके बाद अगर हम देखें तो हमने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। चलो मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट चीज बताता हूँ। आज रात अगर हमारा इन्वेंशन कामयाब रहा तो पूरा समाज बदल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है क्योंकि इससे पूरी हिस्ट्री बदल सकती है। ये टॉप सीक्रेट इन्वेंशन अगर कामयाब हुआ तो हमारा आने वाला फ्यूचर बदल सकता है। तुम किस इंजीनियर की बात कर रहे हो? अब समझा वो इंजीनियर कौन है। ये सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि सब बदल गए पर मैं नहीं बदला। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। असल में इस देश का सपना एक 35 साल के आदमी पट्टी का है। हनी, शिज़ुका यहाँ देखो। पर आपने तो कहा था कि ये जगह खतरनाक है और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। हनी, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? Thank you.
नोबिता, ना अपना होमवर्क कर लिया।